मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा ही होना चाहिए। तो आज है वीक का फर्स्ट डे यानी मंडे और सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 या 7 और हम सब लोग उठ चुके हैं सो के और चुनचुन भी उठ चुकी है और चुनचुन ने मुझे भी जगा दिया है। तो मैं लेके जा रही हूँ चुनचुन को बाहर, लेकिन उससे पहले मैं पी लूँगी अपनी चाय क्योंकि मुझे आ रही है नींद। तो मैं चाय पीने से थोड़ी सा नींद खुल जाएगी, तो चुनचुन को लेके जाऊँगी बाहर और फिर बाहर से आने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ बैठ के पी रही हूँ मैं चाय और ये मेरी सुबह की पहली चाय है और मैं लेके जाऊँगी चुनचुन को बाहर घुमाने के लिए क्योंकि मैं अभी लेके उसको नहीं गई हूँ, बस फिर जाऊँगी। और इसके बाद मैं चुनचुन को घुमा के आ चुकी हूँ, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी और आकर फिर मैंने एक कप चाय और पी थी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी और यहाँ मैं सारी सब्जियाँ वगैरह काट लूँगी अच्छे से छोटे छोटे। और यहाँ मम्मी यहाँ नाश्ते बनाने वाली हैं पोहा और मम्मी यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाएंगी क्योंकि भाई आज किसी के लिए लेके जाने वाला चाय नाश्ता, क्योंकि अपने उसके कोई फ्रेंड्स हैं या जॉब के साथ जो काम करते हैं उसके साथ में, उन लोगों के लिए भी लेके जाने वाला है आज नाश्ता। तो यहाँ मैं सारी सब्जियाँ काट लूँगी, प्याज, थोड़ा सा नींबू। गुड मॉर्निंग चुनचुन। और यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ चाय नाश्ते से बिल्कुल फ्री, मैंने चाय नाश्ता कर लिया है और यहाँ पे चुनचुन का भी चाय नाश्ता हो चुका है और बाहर से चुनचुन को लेके आ चुकी हूँ और चुनचुन यहाँ बैठ के कर रही है मेरे साथ मस्ती, मैं भी चुनचुन के साथ कर रही हूँ यहाँ पे मस्ती। और आप लोग ये देख रहे हैं उसकी उसकी गर्दन पे ये क्या हो गया है, तो इसकी गर्दन पे ब्लैक प्लस स्पॉट्स मैं बताती हूँ। चुनचुन को क्या है, हम लोगों से एक मिस्टेक हुई है, इसके हम क्या ऑल टाइम 24 घंटे इसके गले में क्या बेल्ट पहना के रखते थे, हम इसको नहलाते थे तभी बेल्ट पहन के ही रखते थे, कभी इसका बेल्ट ही निकाला था हम लोगों ने। 1 साल 1.5 साल हो गए चुनचुन को हमारे पास, हमने उसका कभी बेल्ट नहीं निकाला है। उस वजह से क्या है, उसके गले में क्या है गर्मी की वजह से और थोड़ा सा पानी का बार बार लगने से उसके गले में इसको गले में जो बेल्ट बांधते हैं वो इसको नहीं बांधना है अभी। और अभी क्या वैसे नहीं बांध के रखना चाहिए, डॉक्टर ने हम लोग को ये बताया है, इसी की मेडिसिन मैं चुनचुन को खिला रही हूँ और प्रॉब्लम उसको कुछ भी नहीं है, कुछ भी इन्फेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये ब्लैक स्पॉट्स हो गए जिस जगह से उसके बाल थोड़े से निकल गए हैं इसलिए ब्लैक ब्लैक सा हो चुका है और बस वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उस चीज़ में। और यहाँ फिर मम्मी कर रही हैं पीसना और वैसे हमारे यहाँ जो गेहूँ हैं वो हमेशा साफ आते हैं क्योंकि हमारे जो खेत में गेहूँ होते हैं वो सारे बिककर मार्केट से एकदम क्लीन गेहूँ आते हैं साफ सुथरे, लेकिन मम्मी की एक हैबिट है गेहूँ पिसवाने से पहले यानी आटा पिसवाने से पहले मम्मी एक बार मम्मी गेहूँ को जरूर साफ करती हैं अच्छे से क्योंकि मम्मी को है कुछ कि साफ सुथरा होना चाहिए। और यहाँ चुनचुन को मैंने खाना दे दिया है, मैंने चुनचुन को नहला दिया है, दवाई भी लगा दी है उसको, दवाई भी खिला दी है अच्छे से, तो यहाँ चुनचुन खाना खा रही है। चुनचुन 2 दिन से बहुत डरी है मुझसे, थोड़ा सा हम लोगों को लेट हो गया काम के लिए, तो काम तो हमारा पूरा हो चुका है और मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है और यहाँ मैंने चुनचुन को भी खाना दे दिया, चुनचुन खाना खा रही है, चुनचुन को नहला भी दिया, उसको मेडिसिन भी दे दी है और अब वो खाना खा रही है एग के साथ में। और बस अब मैं भी जा रही हूँ खाना खाने के लिए क्योंकि बहुत लेट हो गया है, समथिंग अभी 2 या 2:30 बज चुके हैं, तो अब मैं भी जा रही हूँ खाना खाने के लिए और बस फिर आप लोग को मिलते थोड़ी देर के बाद। और यहाँ खा रही हूँ मैं आइसक्रीम क्योंकि मम्मी ने बनाई थी आइसक्रीम और क्योंकि बहुत सारा दूध रखा हुआ था तो मम्मी ने उसकी रबड़ी बना दी है और हम सब लोगों के लिए बना दी है आइसक्रीम क्योंकि गर्मी बहुत है। और यहाँ मैं बहुत हूँ एक्साइटेड क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऑर्डर किया है शॉपसी से, ऑर्डर तो मैंने बहुत किए हैं काफ़ी बार कई ऐप से लेकिन शॉपसी से मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, तो आज मेरा ऑर्डर आ चुका है और ये बहुत जल्दी आने वाली पॉलिसी है, मतलब मैंने 5 या 4 दिन लगने थे आने के लेकिन 2 दिन में मेरा ऑर्डर आ चुका है। और बस यहाँ भैया को चेक कर रहे हैं पेमेंट वगैरह, लेकिन मैं कैश ऑन डिलीवरी ही करती हूँ क्योंकि ऑनलाइन पे कोई झमेला मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि ऑनलाइन में क्या रहता है कि पेमेंट 7 दिन बाद अकाउंट में आएगा और ये होगा अगर कोई ऑर्डर पसंद नहीं आता रिटर्न कर दें, तो कैश ऑन डिलीवरी में ये रहता है कि कैश अगर हमने हैंड दिया तो कैश ही हैंड हमारे हाथ में आएगा। और यह देखिए मेरे को ऑर्डर मेरे मिल चुके हैं और ये देखिए मैं कितनी हैप्पी हूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा ऑर्डर आ जाएगा, मतलब और बहुत ही कम रेंज में बहुत ही चीप प्राइस है इन ऑर्डरों का, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ फिर पहले मैं आ चुकी हूँ बाहर चुनचुन को लेके, मैं मम्मी और नेहा हैं, चुनचुन है, डुग्गू है, हम सब लोग हैं, चाची वगैरह सब लोग बाहर हैं, हम सब लोग घूम रहे हैं बाहर। और बस बाहर जाने के बाद हम लोग आ चुके हैं घर पे और यहाँ मैं दिखा रही हूँ अपने ऑर्डर जो आए थे, एक ये कुर्ती आई है पिंक वाली और ये है ब्लैक, आपको ऑरेंज दिख रही है लेकिन वो पिंक है, और ये है ब्लैक एंड गोल्डन पैंट, ये दोनों आए हैं। और इनका जो कपड़ा है वो है क्रेप लेकिन मुझे बहुत पसंद आया है सच में, बहुत ही अच्छा है
बहुत रिजनेबल प्राइस है इन तीनों दोनों का। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ एकदम खोल खोल के कि ये देखिए, ये है ब्लैक वाला और इसके साथ में आई है गोल्डन पैंट। ये है गोल्डन पैंट, ये देखिए कितनी, मतलब कितना अच्छा साइज़ है। मैंने डबल एक्सल मंगाया है क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि वैसे फिटिंग करवा लूँगी मैं अपने लिए, तो लेकिन मैं डबल एक्सल इसलिए मंगाया था कि अब तक कहीं छोटा साइज़ आ जाएगा डबल एक्सल में क्या है, इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था ना शॉपसी से इसलिए। तो इससे आगे मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ और नाइट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बस डिनर वगैरह हमारा सब लोग हो चुका है कंप्लीट और यहाँ मैंने बना ली अपने लिए चाय। तो बस मैं, मम्मी, हम सब लोग चाय पी के बस सोएंगे। तो बस मैं वीडियो का यहीं पे करूँगी एंड। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और वीडियो को वॉच करने में, तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस, मेरे कंटेंट अच्छे लगते हों तो उसी तरह से सपोर्ट करते रहेगा, आंग लेके जाएगा किटू जाटनी को। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय ऑल।